8 अक्टूबर को मदरसा किया गया था सील। मदरसा संचालक पर लगे कई गंभीर आरोप, अश्लीलता मारपीट की शिकायत पर की कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई, अवैध मदरसे पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मदरसों पर धाकड़ एक्शन जारी है और जहां जहां अवैध मदरसे मिल रहे हैं उन्हें जमींदोज कर दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मदरसा नैनीताल में था जिसे जिला प्रशासन की टीम ने मटिया मेट कर दिया। दरअसल अवैध मदरसे को प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। मदरसे के साथ अवैध रूप से बनाए गए आधा दर्जन शौचालय और टीन शेड भी ध्वस्त किए गए। पिछले महीने नैनीताल की वीर भट्टी गाँव के पास एक अवैध मदरसे का खुलासा हुआ था। प्रशासन के छापे के दौरान मदरसे में 24 नाबालिग छात्र बीमार मिले थे, जिसके बाद मदरसे को सील कर दिया गया था और अब सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बने इस मदरसे को ध्वस्त किया गया। इसमें कुछ प्रकाशित फाइल जो लीगल थी उसको जब मदरसे में जब लीगल पाएंगे तो हमने लैंड क्रॉस के माध्यम से इसको पूरा चेक भी किया गया। तो इसका मदरसे का जो हाथ था ये आंशिक तौर से जो है अवैध रूप से पाया गया और इसका जो क्षेत्रफल 266.05 है और इसके पश्चात हमने इनको एक नोटिस किया। नोटिस देने के पश्चात जो संशोधन का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और निर्धारित समय अंतर्गत इनके द्वारा स्वयं अपने अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज हमने पुलिस फोर्स के माध्यम से सब लोगों को बुलाया गया। प्रशासन ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी कर जमीन के दस्तावेज मुहैया कराने को कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद संचालक को अवैध निर्माण खुद तोड़ने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन नहीं तोड़े जाने के बाद प्रशासन से इसे तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि नैनीताल में जोली कोट के वीर भट्टी पुल के पास अंजुमन एकरा नाम से एक मदरसा खोला गया था, जिसमे कक्षा 5 तक के बच्चों को तालीम दी जाती थी। एक परिजन ने डीएम को पत्र लिखकर शिकायत की थी। इसके बाद 8 अक्टूबर को जिला प्रशासन की टीम पुलिस के साथ मदरसे में पहुंची थी, जहां टीम ने जांच के दौरान सभी आरोप सही पाए। लेकिन अब तक कोई बुलाई गई है और आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाई बाड़ों में देखने को मिल सकती है। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज़ 8।